हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बताने जा रही हूँ चाउमीन बनाने के लिए। देखिए, मैंने इसको पहले ही उबाल ली हूँ और इसमें मैं हल्की सी रिफाइंड मिला दी हूँ। और ये देखिए, तीन प्याज है जो मैं बारीक काट ली हूँ, एक आलू है जो देखिए मैं इसे बारीक काट ली हूँ, ये देखिए मिर्ची है और ये देखिए लहसुन है जो कट किया हुआ है, और ये चाउमीन है, टमाटो सॉस है, चिली सॉस है, ये चाउमीन मसाला है, और ये देखिए नमक तो स्वाद के अनुसार डालना है। अब बनने के बाद ऊपर से आप ये टमाटो सॉस और चिली सॉस मिला देंगी। देखिए, ये मेरी कढ़ाई है जो गर्म हो चुकी है, मैं इसमें डालने जा रही हूँ। ये देखिए, आपको जितना तीखा पसंद है आप डाल सकती हैं। ये देखिए, मैंने तीन मिर्ची डाली हूँ और इसके बाद मैं कट की हुई लहसुन डालने जा रही हूँ, और ये देखिए इसके बाद मैं ये प्याज डालने जा रही हूँ, और इसी में मैं कटी हुई आलू को मिला दूंगी और इसे अच्छी तरह से फ्राई करना है। देखिए, इसमें मैं नमक मिलाने जा रही हूँ, इससे क्या होता है ये जल्दी से पक जाते हैं। और ये देखिए, मैंने नमक मिला दी हूँ। देखिए, ये मेरी है जो प्याज और आलू और लहसुन मिर्ची सब फ्राई हो चुकी है, और ये जो मैं मसाला डालने जा रही हूँ चाउमीन मसाला, इसमें मैं वो एक चम्मच पानी मिलाई हूँ, क्योंकि ये सूखा हुआ था, इसमें मिलने के लिए मैंने एक चम्मच पानी मिलाई हूँ। ये देखिए, मैंने इस प्रकार इसमें डाल दी हूँ, और देखिए इस तरह से इसको फ्राई कीजिए। इसके बाद ये है जो टमाटो सॉस है, मैं इसे मिलाने जा रही हूँ। देखिए, मैंने इसे मिला दी हूँ। ये चिली सॉस है, मैं इसे मिला दी, और देखिए इसको एक मिनट तक इस तरह से फ्राई कीजिए। ये देखिए, ये जो मेरी चाउमीन है, मैं इसमें अब इसमें डालने जा रही हूँ। इस तरह से ही आप अपना भी चाउमीन रखिएगा फ्राई, बढ़िया सूखा हुआ। मैं इसे देखिए इस तरह से 5 मिनट तक इसी में मिलाती रहूँगी। ये हमारी चाउमीन है जो बनके बिल्कुल तैयार हो चुकी है। ये मेरी चाउमीन है जो तैयार हो चुकी है। अब इसमें मैं चिली सॉस देखिए इस तरह से ऐसे करके मिलाने जा रही हूँ। देखिए इस तरह से मिलाइए और खाइए, आपका बिल्कुल मस्त चाउमीन तैयार हो चुकी है। ये देखिए, इस तरह से बनाना बिल्कुल आसान है।